सरकार भले ही गरीबों के लिए कई योजनाएं लाने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत में पीड़ितों और मजबूरों को जब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिले तब तक दावे खोखले ही साबित होते हैं। ऐसे में देखना ये है कि दोनों नेत्रहीन बुजुर्ग दंपति को आखिर कब सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाता है, या फिर ये सब इनके लिए बेमानी है। सरकार भले ही बुजुर्गों और वृद्धा पेंशन जैसी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही अलग बयां करती है। ऐसा ही एक मामला कर्मावास गांव के देवाराम चौधरी का सामने आया है, जिसमें दोनों ही नेत्रहीन है और उनके भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। न ही सरकारी नुमाइंदे यहाँ पे आके इनकी सुध ले रहे, न ही परिवार जने इसकी देख रेख कर रहे, दोनों ही एक दूसरे की लाठी बने हुए है। कैमरा पर्सन प्रेम प्रकाश सोनी के साथ सुनील दवे, A1 TV, कर्मावास। राजधानी की आमेर तहसील के पुराना गांव में फर्जी अंक तालिका लगाकर सरपंच बनने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत पुराना में 20 जनवरी 2015 को हुए सरपंच के चुनाव